हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पीएनबी सेविंग अकाउंट फॉर बेस्ट कस्टमर। पीएनबी का सेविंग अकाउंट मतलब सेविंग फंड होगा किन लोगों के लिए? बेस्ट कस्टमर के लिए, बेस्ट कस्टमर। ठीक है दोस्तों, बेस्ट कस्टमर, पीएनबी सेविंग फंड फॉर बेस्ट कस्टमर। तो अभी ये बेस्ट कस्टमर होने का एलिजिबिलिटी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस बार एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, इसका पिछला साल भी आया था। तो बेस्ट कस्टमर होने का एलिजिबिलिटी है, ये अकाउंट इंडिविजुअली खोल सकते हैं, ये अकाउंट जॉइंटली या फिर कोई एसोसिएशन, ट्रस्ट, ये सब में नहीं होता है, ये आपका सिंगली खोलना पड़ेगा। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है? इसका तीन एलिजिबिलिटी है। एक एलिजिबिलिटी, 18 से 70 साल तक उम्र होना चाहिए कस्टमर का, 18 से 70 साल, 18 से कम होगा तो नहीं होगा, 70 से ज़्यादा होगा तो भी नहीं होगा, 18 से 70 साल एज होना पड़ेगा। ये है एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया क्या है? ये अकाउंट मिनिमम 3 ईयर्स रहना चाहिए बैंक में, मतलब कोई आके ये अकाउंट खोल नहीं सकता है। कोई सेविंग अकाउंट खोलेगा, 3 साल बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करेगा, मतलब 3 साल इनका सेविंग अकाउंट बैंक में रहना चाहिए, उसके बाद ही इनका बेस्ट कस्टमर का टैग दिया जाएगा। कोई आके बेस्ट अकाउंट खोलेगा नहीं होगा, आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपका एज 18 से 70 साल तक होना चाहिए और 3 साल तक आपको इस बैंक के साथ बने हुए रहना चाहिए। यह है दूसरा क्राइटेरिया। और फाइनल क्राइटेरिया जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 5 ट्रांजेक्शन, क्रेडिट हो या डेबिट हो, 5 ट्रांजेक्शन, 5 ट्रांजेक्शन क्रेडिट हो या डेबिट हो पर मंथ। ठीक है, मतलब एक मंथ में 5 ट्रांजेक्शन होना ही चाहिए, एवरी मंथ 5 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, क्रेडिट हो या डेबिट हो 5 ट्रांजेक्शन एवरी मंथ होना चाहिए 3 साल तक, और 18 से 70 साल में एज होना चाहिए। तो ये था एलिजिबिलिटी। अभी इसका क्यूए भी देख लेते हैं। इसका क्यूए भी क्या है? इसका क्यूए भी 1 लाख रहना चाहिए मिनिमम 1 ईयर के लिए, मतलब 1 साल, कोई भी 1 साल, आपने आपका ये अकाउंट 3 साल रहना चाहिए सेविंग अकाउंट मिनिमम, तो 1 साल, कोई भी 1 साल मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल में 1 लाख का क्यूए भी रहना चाहिए। मतलब क्यूए भी आपका 1 साल में 4 क्वार्टर रहता है, तो मतलब 4 क्वार्टर में ही आपको 1 लाख बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, 1 लाख क्यूए भी मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम पीरियड्स ऑफ 1 ईयर। याद में रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यूए भी आपको 1 लाख मेंटेन करना पड़ेगा 1 साल के लिए, यानी कि 4 क्वार्टर के लिए। ठीक है, तो इसका टोटल आ गया 4 क्राइटेरिया है टोटल, 18 से 70 साल एज, 3 साल बैंक के साथ बने रहना है, 5 ट्रांजेक्शन करना है एवरी मंथ में, क्रेडिट हो या डेबिट हो, और मिनिमम 1 साल के लिए 1 लाख का क्यूए भी रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी इस अकाउंट का खास बात क्या है? इस अकाउंट में वीज़ा डेबिट कार्ड दिया जाता है फ्री में। ठीक है, वीज़ा डेबिट कार्ड दिया जाता है फ्री में। ठीक है, इसका एटीएम पर डे का एटीएम विड्रॉल लिमिट है आपका 1 लाख, एटीएम से आप पर डे 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं। पॉस ट्रांजेक्शन आप पर डे कर सकते हैं 1 लाख, और ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं जो, उसमें भी पर डे आप 1 लाख का शॉपिंग कर सकते हैं। एटीएम लिमिट भी पर डे 1 लाख, पॉस लिमिट भी 1 लाख, ई कॉमर्स लिमिट भी 1 लाख। ठीक है दोस्तों, इस अकाउंट में और एक खास बात क्या है? डिमांड ड्राफ्ट DD या PO आप कोई भी मंथ में इशू कर सकते हैं फ्री में, 5 लाख तक फ्री है। अगर आप 5 लाख का DD या PO इशू करेंगे तो 5 लाख तक फ्री है पर मंथ में, मतलब 1 महीना में आप 5 लाख तक का DD या PO फ्री में इशू कर सकते हैं। और इस अकाउंट में RTGS, NEFT, SMS चार्ज सारा फ्री है। और क्या खास बात है इस अकाउंट का? लॉकर चार्जेस में 25% डिस्काउंट मिलेगा रेंट में आपका,
25% डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, ब्रांच में, आपका ब्रांच में लॉकर अगर अवेलेबल रहेगा तो ही, अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो कहाँ से मिलेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस अकाउंट में पर्सनल इंश्योरेंस भी है। जिस कस्टमर का ये अकाउंट रहेगा उसका 10 लाख का इंश्योरेंस है, डेथ इंश्योरेंस या फिर टोटल डिजेबिलिटी, मतलब जो अक्षम हो गया, जिसका पाँव टूट गया, मतलब वो एकदम मतलब ख़त्म हो गया, सिर्फ जिंदा है, टोटल डिजेबिलिटी हो गया और चलने नहीं सकता है, सुनने नहीं सकता, ऐसे अगर कुछ हुआ या फिर डेथ हो गया तो 10 लाख का इंश्योरेंस वो कस्टमर को मिलेगा। तो ये लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, 10 लाख इंश्योरेंस है PNB बेस्ड कस्टमर में। लॉकर चार्जेस में 25% का डिस्काउंट, RGS, NEFT, SMS चार्ज फ्री। और एक जो बात याद में रखना है, ये जब कोई कस्टमर बेस्ट कस्टमर बन जाएंगे तो उनका पासबुक में, ठीक है, पासबुक में या फिर चेकबुक में, ठीक है, चेकबुक में या फिर ATM कार्ड में बेस्ट कस्टमर का टैग रहेगा, मतलब प्रिंट किया हुआ रहेगा, पासबुक में भी, चेक में भी, ATM कार्ड में भी बेस्ट आवर बेस्ट कस्टमर का प्रिंट बना हुआ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो और भी ऐसे बहुत सारा चैप्टर मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊँगा, इसके लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे कंटिन्यू फॉलो कीजिए। थैंक यू।